हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता आप बढ़िया रहेंगे, हम भी बढ़िया है। और आज का व्लॉग बहुत घाई घाई में स्टार्ट हुआ है, जो इससे पहले दो तीन व्लॉग पहले मैंने डाला था। मेरे भाई और भाईजान और बहन मेरे गए थे उमरा करने, तो आज उनकी फ़्लाइट है। अब उनकी फ़्लाइट एक्चुअली लैंड होने वाली थी 10:30 या 11 बजे, 10:30 बजे। तो उन्होंने सुबह में फजर में, मतलब 5 बजे उन्होंने मैसेज डाल दिया था कि 2.5-3 घंटा लेट है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, हमारे कैलकुलेशन से 1 बज रहा है अभी, 1 बजे हम लोग निकल रहे हैं। कोई नहीं, मम्मी और मैं हम दोनों ही है, क्योंकि पप्पा को बाहर जाना था काम से, तो पप्पा नहीं है। और बाकी तो इतने लोग क्या करेंगे छोड़ने के लिए, चलो समझ में आता है, इसलिए छोड़ने हम लोग बहुत लोग गए थे। तो मम्मी और मैं, अब उनसे कुछ बात हुई नहीं है। 5 बजे के बाद मैंने वॉइस नोट डाल दिया हूँ क्या मैं निकल गया हूँ, 1 घंटा पकड़ा हूँ मैंने, मतलब कैलकुलेशन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो 1 घंटा मैंने उनको बोल दिया कि अगर तुम बाहर आएंगे तो थोड़ा वेट करो, मैं आ जाऊँगा। यहाँ से तो मैं पहुँच जाऊँगा 1/2 घंटा 40 मिनट में। अभी यहाँ से भी मैं ठाणे माझीवाड़ा पे हूँ, विवियाना मॉल के पास। तो अभी मम्मी और मैं, हम लोग दोनों जा रहे, देखते ट्रैफिक मिलेगा तो मसले वाला काम हो जाएगा। अब बारिश हल्की हल्की तो चालू हो गई, टाइम पर पहुँच गए अब। लेकिन हाँ, वो निकले, हम लोग निकले ना, उतना कट टू कट पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे वेट करना बोले तो वो थोड़ा वेट करे चलेगा, हम गाड़ी लेके वेट नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो गाइस चलो, अभी मैं ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ, क्योंकि भाई अभी तो ट्रैफिक तो मिलने वाला, मुझे पता है आगे के। पहले ये रास्ता इतना मनहूस है, क्या पता मेट्रो का काम कर रहे हैं, काहे का काम कर रहे हैं। बीच में इतना बड़ा रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, क्या बना रहे पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये देखो पूरा रास्ता ये बंद, एक जगह से इतनी गाड़ियाँ पास होती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा आदमी ट्रैफिक में अटकता है। और दूसरा रास्ता यहाँ से, अब यहाँ से जाना बोले तो सर में दर्द है, सर में दर्द यहाँ से भी वहाँ से भी है। लेकिन अब ये सीधा सीधा रूट है, वहाँ से इतना घूम 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 के कौन जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से सीधा सीधा ही जा रहा हूँ मैं। गेट में ये कुछ ये लोग बनाया है इतना लंबा लंबा, पर ये रास्ता उन लोग ने ओपन किए नहीं, वो इसे भी ये रास्ता ओपन किए। ये पता नहीं ब्रिज बनने वाला है मेट्रो का कि क्या बनने वाला है काम, लेकिन तो काफ़ी टाइम से चालू है और इसके वजह से इतना ट्रैफिक मतलब ये रूट पे हो जाता है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा करके एरोली, जो सिलफाटा एरोली वाला रोड है, वो प्रीफर करते हैं, हम लोग वहाँ से ज़्यादा जाते। अभी हम लोग यहाँ पे थे, मम्मी और मई को जाना था, तो इसके तक घूम के मेरे घर से वो लंबा हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ लोग बना रहे, पता नहीं क्या बन रहा है, मुलुन टोल नागे पहले सबको इसके तक। अभी तो फिर भी थोड़ा मैं ऑट टाइम पर निकला हूँ कि 1:30 बज गए, नहीं तो भाई बहुत ख़तरनाक हालत हो जाती है रास्ते में सुबह में आएंगे तो। हम लोग पहुँचने आ गए, 2:20 हो रहे हैं, 1:30 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 1:30 के करीब मैं घर से निकला था, बहुत जल्दी पहुंच गया हूं मैं, नहीं तो भाई बहुत टाइम लग जाता, ट्रैफिक नहीं मिला। अब यहां से ऑलमोस्ट एयरपोर्ट आ ही गया है, अब वो भी लकीली वो भी अभी बाहर निकल गए, सब कुछ जो फॉर्मेलिटी जो होते हैं सब पूरी हो गई, तो मुझे रुकना भी नहीं पड़ेगा, तो एकदम सब कुछ सही सही हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अब जाते हाजियों से मुलाकात करते हैं, उमरा करके आए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और हमें क्या वो क्या बोलते हैं, फरिश्ते आते साथ में उमरा से, बोलते ना उमरा से आए ना हज की जगह से, अभी तो ये हाजी ये तो उमरा करके आए, पर बोलते हैं कि वो वहाँ से आते ना तो फरिश्ते साथ में आते हैं। अच्छा अच्छा, अभी ऑलमोस्ट देखो हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन अभी यार P-B6 है वो ढूंढना पड़ेगा, P-B6 किधर है। तो अभी पूछ पाच के तो मैं यहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो मेरे को पता ही था, अभी वो उसको पूछना पड़ेगा और किसी को। बाद में खाने का कैसा हुआ फिर? नहीं लाया था उसने पार्सल, मैंने बहुत जापा उसको। हाँ तो बाकी को क्या किया उसने, वो दूसरे गुरु रहते ना उनका खिला दिया बचल बुचल को, वो भी चल जाता था लेकिन हाँ। वो भी खत्म हो गया रूम पे गए, फ्रिज हो जा रहे जब तक तो खा ले तू, इतने भूखे डास वो भी खा गए सब, बोला क्या रे वे, तो बोले यार तुमने जल्दी आना था, मैं क्या था थोड़ी चलता जल्दी आना था, बोला भाई मैं क्या खाने का बंदोबस्त कर तू, पानी भी नहीं खाना जी पीने को, और पानी भी नहीं अच्छा जी होगा पीने को, गोली लेने को पानी भी नहीं, खाना नहीं, रियाल बनाई ली 3 दिन से टाइम भी नहीं मिल रहा रियाल बनाए, हालांकि भाई ना इंडियन करेंसी भी ले लेते हैं पर अब तो को नॉलेज ना पहले दिन का बराबर एकदम समझता नहीं ना फर्स्ट टाइम तो कैसा है।
अभी तो इतना नॉलेज आ गया कि अभी हम दो भी जाके आ सकते हैं। अभी अपन खुद 10 को लेके आ सकते हैं। अभी अपन खुद एक टूर के लेके आ सकते हैं लोग। मक्के का टोटल नॉलेज, मदीने का टोटल नॉलेज। हाँ चला अच्छा है। कैसा रहता, क्या रहता, क्या शॉपिंग, कौन सा मार्केट, किधर से क्या लेना, क्या रियाल का कैसा, एक से छेट आराम का पूरा नॉलेज, मस्जिद नबी का पूरा नॉलेज, जन्नतुल बकी हमको लगा ये अच्छे होंगे तो सारा उनको हमको गाइडेंस करना पड़ा इनके दे आगे। सब हमको तो बोले बाप रे बाप, बोले भाभी तुमको कितना नॉलेज है, बोले तो ऐसा करके तो बोले हाँ। फिर इनको बोले जमील भाई आप तो टूर ही ला सकते हो, बोले वो बात भी पता चला कि यूपी के थे ना वो दो ही जवान थे बाबा। वो तो जाते टाइम ही देख लिया मतलब इनको तो जमील भाई को संभालने पड़ेगा सबको। रूम में मदीने में साथ में थे हम चार जन। बोल दिया इनका चार बेड का रूम चाहिए, ये दो हम दो। हाँ बोले भाई बोले वो भी साले अच्छे थे, इतने लड़ाई दोनों मियां बीवी के बाद मोबाइल फोन डाला। अरे बाप रे बाबा के सामने लगा बिचारी पहले दिन तो सीधे हमको लगा बिचारी है। वो बिचारी नहीं थी, वो बिचारी नहीं थी, वो पूरा मोबाइल में आने था उसको। ओ मतलब मोबाइल में रहती थी 24 घंटा। बराबर मोबाइल रात पहले उसका मोबाइल फोड़ के भी इसके मोबाइल से साला आते से लगा ही फोन, बाप को लगा ही, माँ को लगा रही, भाई को लगा रही। अरे मिंगे साला तू क्या है रे तेरा, बड़ा रात को अंगुली लग गई, अंदर नादन की आवाज आ रही थी। वो भाई पहले धकेले पैर दुखरे थाले यार जमीर भाई, मैं इसको छोड़ दूंगा विंजय भाई, छोड़ियो बम्बई जाके छोड़, इंडिया जाके छोड़। मैंने इसको क्या राय दिया, विंजय देखो इनको वहां लेके जाना और इनकी मम्मी क्या छोड़ देना। विंजय अभी आज तो मुकद्दस मकाम पे आए भाई, अभी इबादत करो, नमाज ये वो, इनके ये बातें अभी जरा साइड में करो, जो भी रहेगा ना इंडिया जाके इनको ना इनकी मम्मी क्या छोड़ देना। फ्रेंड्स आप लोग ने देखा हम लोग जो बातें चल रही थी, जमील भाई आ गए हैं उमरा करके और सोनी बाजी आ गए हैं, तो वो हमको स्टोरी बता रहे थे क्या मतलब क्या क्या मतलब उनके साथ वहाँ पर हुआ। मज़ा तो बहुत आया उनकी स्टोरी सुन के, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भाई बहुत मज़े किए। 15 दिन भी कम पड़ गए उनको, मतलब ज्यारत तो हुई है और जो इनका क्रू जो साथ में जो टीम गई थी वो टीम एक नंबर टीम थी उनकी। तो वही सब डिस्कशन चल रहा है और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट, सामान कुछ शॉपिंग करनी है इनको, क्योंकि अभी कल शायद एक दो दिन रुकेंगे फिर चले आएंगे। तो मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से इधर ही आ गया क्रॉफर्ड मार्केट में, अभी यहाँ से शॉपिंग करके फिर घर पे जाएंगे, फिर दावत है सब कुछ रहेगा तो इसी में जोड़ के सब दिखा दूंगा। अरे वो हमारे घर वाले बीच रस्ते में ही खड़े हो गए, मोबाइल में फ़ोटो देख रहे एक बच्ची का। और एक्चुअली हमको यहाँ पे कुछ जानमाज वगैरह लेनी है, क्योंकि वहाँ से ला नहीं पाए ना, केजी का हिसाब रहता है। तो अभी यहाँ से जानमाज लेने, कपड़ा मार्केट से जानमाज लेने आए हम लोग, देना हो देने का इनको किसी को, मतलब सबको बांटना ही पड़ता है। अभी कपड़े मार्केट में जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या कैसा मिलता है। लेने वाला था, बोले नहीं आपका एड्रेस है। हां दारू खुला से, हां दारू खुला वही तो हमारे से तो लेके जाके पैसे। हां वही बोले उन्होंने, हां हमारे खाली वही यहां से मत लो उधर से ले। एक्चुअली मेरे पापा अब इधर भेजे। जानमाज की शॉपिंग हो गई, भूखे भूखे की, अभी कुछ खाए नहीं, अभी फिलहाल हम लोगों ने खाएंगे। अभी ये बॉटल ले रहे आप जमजम का पानी डालने के लिए। गाइस
कल तक आप लोग ने जो देखा, आज ये दूसरा दिन है। आज दोपहर में मेरी बहन की अंदर दावत थी, वो दावत भी ख़त्म हो गई, खाना वाना हम लोग ने खा लिया। अभी तो अंधेरा हो गया है, 8 बज गए रात के और हम लोग अब निकलने वाले हैं। तो मैं वीडियो एंड किया नहीं था, अभी मेरे को याद आया कि मैंने वीडियो एंड किया नहीं हूँ। हम लोग सब यहाँ पर है, मेरे सोने भाई जमील भाई और गुम्बू जो आले भाई, क्या ये बहुत बीच में आती। अरे मैं बीच में आऊंगी ना, क्योंकि मैं हीरोइन को फेमस हो तू कोई हीरोइन नहीं है। तो बस अब निकलने के टाइम एंड करना था वीडियो। तो अभी पिज्जा मंगाया है, मैं मेरी बहन आफरीन भाई को बोला कि पिज्जा के साथ इसको अपन एंड कर देते हैं आज वीडियो को। हाँ चलो खोलो, चालू हो जाओ फटाफट फटोफट। खोल के भी दिखाओ क्या? खोल के क्या दिखा दे? दिखा दे। ओहो हाँ भाई अच्छा दिख रहा। और ये सब ए, और ये है 10 इंच का पिज्जा। कौन सा है 10 इंच वाला? ओहो वैसी सेम दिख रहा, छोटा बड़ा है क्या? नहीं ये स्पाइसी स्मोक्ड। ओके खाएंगे बाद में। आ जाओ आ जाओ, नीचे बैठ जाते ना, यहाँ पे सब नहीं आएंगे। कैसा लगा पिज्जा? हाजी साहब बोलेंगे अभी हम। अच्छा है ना? सोनी बाजी घर पे बनाते ना पिज्जा? अभी थोड़ा काटने के ऊपर से थोड़े मसले हो गए थे। गाइस ये सीक्रेट पिज्जा का ही पिज्जा है, हम लोग ने व्लॉग डाले थे। कोई देखा नहीं होगा तो चैनल पे आके देखो। सिगरेट पिज्जा का पिज्जा वाकई में बहुत अच्छा है, सब इनको भी पसंद आया और वाकई में अच्छा टेस्टी पिज्जा बना था। क्या बोलते हैं अम्मी? सही बात है, सही बात है। हो गया अभी हम लोग बड़ा वाला खा रहे हैं। बड़ा वाला भी मेरी बहन बताएगी कैसा है, दोनों भी दोनों बहनें बताएंगे कैसा लग रहा है बड़ा वाला। कैसा? अच्छा एक नंबर, एक नंबर है। हाँ कोई भाई पैसे नहीं दिया हमको पिज्जा वाले ने, बोले कि अच्छी चीज है तो हम बता रहे, तो पब्लिक बोले ज्यादा ही तारीफ, ज्यादा ही लाल करे जा रहे हो। मतलब पिज्जा वाले ने अपने फुकट में थोड़ी दिया है क्या, मेरा प्रमोशन करो, समझा? वो अपन ने अपने पैसे का ही मंगाया ना, अच्छा है तो अपन बोल रहे अड़े। हाँ पैसे देता तो बहुत तारीफ कर रहा, पिज्जे पे बना देते थे।